हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी फिजिक्स 2024 के स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 70 मार्क्स का पेपर है, चार सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ए बी सी डी। हम लोग आज सेक्शन ए डिस्कस करेंगे 14 मार्क्स का, जिसमें 7 एमसीक्यू है और 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्या है देखो, टू बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 100 वॉट एंड 40 वॉट डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरल टू अ बैटरी सोर्स एज शोन इन द फिगर। करंट फ्लोइंग अक्रॉस पॉइंट 1, 2 एंड 3 आर I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों का कंपेरिजन, सबसे पहले यहाँ पे I1 मार्क कर लो, यहाँ पे I2 मार्क कर लो, यहाँ पे I3 मार्क कर लो। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, मतलब सबसे बड़ा तो I1 होगा, नो डाउट इन दैट। थर्ड ऑप्शन गया काम से। अब ये दोनों ही पैरेलल में है, पैरेलल में है तो V तो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों का। पावर दिया हुआ है, पावर होता है VI, V कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा वहां पे I ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, I2 जो है वो छोटा होगा I3 से, क्योंकि I3 जो है करंट 100 वॉट बल्ब के लिए, तो वहां पे पावर 100 वॉट है, तो I ज्यादा लगेगा मेरा, और I1 जो है वो ग्रेटर देन I2 है, तो ऑप्शन बी देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चल ये तो हो गया, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कुलर कॉइल having n turns of radius r carries a current I and produces a magnetic field T at its center. If the coil is open and rewound such that the radius of the newly formed coil is 2R and the same current I pass through it, the magnetic field at the center. Comparison again. Case 1, case 2. Radius R, radius 2R. नंबर ऑफ टर्न n, यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्योंकि रेडियस को आपने डबल कर दिया है, अब तो ज्यादा टर्न नहीं हो पाएगा, n/2 हो पाएगा, n/2। ठीक है, सेम करंट है। अच्छा, हमें पता है कि जो b होता है वो होता है म्यू नॉट ni/2R, ये होता है ना भाई। अब देखो ध्यान से, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न। अब ये जो बी है वो क्योंकि आई तो सेम है, ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर, यस नो। अब ध्यान से, फर्स्ट केस में ठीक है, b1/b2 अगर निकालेंगे हम, b1/b2 निकालेंगे तो क्या होगा, n/r, मतलब n1/r1 और नीचे अब b2 का n2/r2, ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा, है कि नहीं। क्योंकि b को हम लोग यहां से देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं, b n/r, ये लिख सकते ना। तो b1/b2 विल बी n1/r1 और नीचे में n2/r2, तो r2 ऊपर चला जाएगा। अब वैल्यूज बैठा दो, B1 तो T है, B2 हमें पता नहीं, N1 N है, R1 R है, R2 2R है और N2 n/2 है। ठीक है, ये कैंसिल आउट, मतलब T इक्वल्स टू 2 to the 4 B2, मतलब B2 क्या होगा भाई, T/4, मतलब D आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चल ये तो हो गया, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन एंड रीजन है, ये तो क्लास 9 का लग रहा है मुझे, क्लास 9-10 में पढ़ा था। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन, इसीलिए तो दे डोंट इंटरसेक्ट, बिकॉज एक पॉइंट में दो डायरेक्शन तो होगा नहीं, समझ लो। अगर वो इंटरसेक्ट कर गया तो ये पॉइंट है ए, जहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो टेंजेंट एट ए विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
यहां पे दो टैंजेंट आप बना सकते हो. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. नंबर ए ही सही है, पहला ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं. नंबर फोर, द फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब एफ इक्वल्स टू आर दिया हुआ है ऑफ ईदर सर्फेस, आर वन इज इक्वल टू आर टू. ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. ठीक है, देखो आर वन और आर टू इक्वल है, मान लो आर. अच्छा, आर वन जो होगा मेरा वो पॉजिटिव होगा, आर टू जो होगा वो मेरा नेगेटिव होता है. अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, म्यू तो निकालने बोला है, 1/r1 माइनस 1/r2. जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पे हो जाएगा 1/f के जगह r लिख सकते हैं हम लोग, म्यू माइनस वन, 1/r माइनस वन प्लस 1/r. ठीक है, r1 मेरा पॉजिटिव होता है, r2 मेरा नेगेटिव होता है. तो यहां से 1/r इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, ये 2/r हो जाएगा. इसको सॉल्व करके देख लो तो ये r r कैंसल्स आउट, तो ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, म्यू इक्वल्स टू 1/2 प्लस वन, यानी कि 3/2. यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा. नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ द फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ सेम इंटेंसिटी, नहीं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज द ब्राइटेस्ट, ये सही है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रल फ्रिंज इज अ डार्क फ्रिंज, ये भी गलत है. एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये भी मुझे सही लग रहा है. ठीक है, बिकॉज जो विथ होता है वो होता है 2λa, समझ रहे हो. इसी कारण आप बोल सकते हो कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा तो विथ भी इंक्रीज होगा. यस, ये दोनों आंसर सही है आई बिलीव. तो आई थिंक दोनों में से कोई भी ऑप्शन तुम अगर देते हो, दो ऑप्शन तो जनरली हम नहीं देते हैं, तो वो राइट देंगे. हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ISC में जिसमें दो दो आंसर हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाए ना. नेक्स्ट करते हैं, द डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज डायरेक्टली विथ इस वेलोसिटी, नहीं ये तो रॉन्ग है. डायरेक्टली विथ इस मोमेंटम, ये भी रॉन्ग है. डायरेक्टली विथ इस काइनेटिक एनर्जी, नहीं वो इनवर्सली होता है. इनवर्सली विथ इस लीनियर मोमेंटम, यस. याद करो लैम्डा क्या था, h/p था, है कि नहीं. और एक रिलेशन था लैम्डा का, sc/e. देखो डायरेक्टली विथ इस काइनेटिक एनर्जी, नहीं भाई ऐसा थोड़ी हो रहा है. इनवर्सली विथ इस इन लीनियर मोमेंटम, वही तो हो रहा है, p इज द मोमेंटम हो भैया. क्लियर है, चलो बड़ा इजी था ये गलत हो, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे. नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैज अ मेजॉरिटी ऑफ होल्स, ये तो गलत है भाई. टू कन्वर्ट अ प्योर सेमीकंडक्टर इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉस्फोरस इज यूज एज अ डोपेंट, नहीं. इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मेटल फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट, यस ये हमारा सही ऑप्शन है. अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया. चलो ये तो हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पे. ठीक है, चलो, स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर अ हाफ वेव रेक्टिफायर. देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है. ये सुनो, जो फुल वेव होता है
उसका जो होता है सॉरी उसका जो होता है आउटपुट वो कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं, आउटपुट दोनों का बता रहे। तो फुल वेव रेक्टिफायर का डेफिनेटली एफिशिएंसी अगर आप देख पाओ तो डबल है कि नहीं है? फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी जो होता है एफिशिएंसी वो डबल होता है, ठीक है। स्टेट द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या था, ये था मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, याद करो रेजिस्टेंस ऑफ एनी टू एडजेसेंट आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग टू एडजेसेंट आर्म। यही था हमारा, है कि नहीं? हाँ, कंडीशन एक चीज याद रखिएगा, आई जी करंट इन द गैल्वेनोमीटर वो मेरा जीरो होना चाहिए, ये लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर वो रॉन्ग कर देंगे। P by Q is equal to R by S, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये सिंपल सब क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो सिंपल सा बात है, इंड्यूस करंट बोला है हमें, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ले लेना, राइट हैंड रूल। चलो नंबर फोर क्या है, विथ वॉट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट अ प्लेन वेव फ्रंट एसोसिएटेड। तो आप सिलिंड्रिकल सोर्स ले लो या पॉइंट सोर्स ले लो, दोनों में ही ये पॉसिबल है। सिलिंड्रिकल सोर्स ले लो, पॉइंट सोर्स ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो टाउ जो होता है वो होता है पी इन क्रॉस ई, पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमें क्लियर, बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ओवरलैपिंग वेव्स टू फॉर्म अ ब्राइट बैंड फ्रिंज। पाथ डिफरेंस जो होगा यहां पे, जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा एन लैम्डा, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जीरो से स्टार्ट हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए तो सेक्शन ए में मैंने देखा कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए लोग, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट आर आइसोटोन। भैया ये तो क्लास 8 या 9 में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोटोन। अब देखो ना, लिथियम ले लो 3, 7, बेरिलियम ले लो 4, 7, देखो एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, मास नंबर भी सेम नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है, डिफरेंस 7-3 4, 8-4 4, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं इसके, उसी को हम लोग आइसोटोन कहते हैं। एम आई क्लियर, एग्जांपल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, ठीक है, न्यूक्लियर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर मास नंबर इनका सेम नहीं होता है, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सेम नहीं होता है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।